तो खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून मिरारे पाकिस्तान पर सियासी पावर शो के लिए तैयार है। पार्टी कायदीन के बैठने के लिए स्टेज सज चुका है। जलसा गाह में कुर्सियां, लाइट, साउंड सिस्टम और खारदार तारे लगा दी गई हैं। लाहौर समेत पूरे मुल्क भर से काफले की आमद का सिलसिला भी जारी है। आपको अपडेट करें, मुस्लिम लीग नून मिनारे पाकिस्तान पर सियासी पावर शो के लिए तैयार है। पार्टी कायदीन के बैठने के लिए स्टेज भी सज चुका है। जलसा गाह में कुर्सियां, लाइट, साउंड सिस्टम, खारदार तारे लगा दी गई हैं। लाहौर समेत पूरे मुल्क भर से काफलों की आमद का सिलसिला जारी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज लियाकत अली और जाहिद आबिद से, जो इस वक्त मिनारे पाकिस्तान पर मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा कि जलसा गाह में इस वक्त क्या सूरत हाल है? नून लीग के कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है या नहीं? मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनारे पाकिस्तान के साए तले सजे हुए पंडाल में अब रश बढ़ना शुरू हो गया है और मुस्लिम नून के मतवाले, मुस्लिम नून के कारकुन और मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए रहनुमा जो है वो पंडाल की तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ पर ख़वातीन पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर मुस्लिम नून के कारकुन जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से पहुँच रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर जो स्टेज है वो बिल्कुल मुस्लिम लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनारे पाकिस्तान के साए तले सजे हुए पंडाल में अब रश बढ़ना शुरू हो गया है और मुस्लिम लीग के मतवाले, मुस्लिम लीग के कारकुन और मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए रहनुमा जो है वो पंडाल की तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ पर ख़वातीन पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग के कारकुन जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से पहुँच रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर जो स्टेज है वो अजबिकु मुस्लिम लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनारे पाकिस्तान के साए तले सजे हुए पंडाल में अब रश बढ़ना शुरू हो गया है और मुस्लिम लीग के मतवाले, मुस्लिम लीग के कारकुन और मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए रहनुमा जो है वो पंडाल की तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ पर ख़वातीन पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग के कारकुन जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से पहुँच रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर जो स्टेज है वो